Hello and a very good morning to all of you. I welcome you all to Topic Study YouTube channel. And आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8 दिसंबर के डेली करंट अफेयर्स. देखिए, ये वीडियो आपको रोज़ाना 7 से 8 बजे के बीच में उपलब्ध हो जाया करती है. और आप जिस भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड इस बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो नोटिफिकेशंस है वो ईज़िली मिल जाया करेंगी. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं. कल मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग सबसे पहले किस उत्पाद को मिला था. तो जी हाँ, बिल्कुल सही, दार्जिलिंग टी को सबसे पहले ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला था. तो आप लोगों के जवाब बिल्कुल सही है. तो आज का क्वेश्चन है कि हमारे भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी. ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी. अब हम शुरू करते हैं. किसी संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति पर 4 साल तक एशिया प्रशांत सीट के लिए चुना गया है. तो देखिए, इनका नाम है प्रीति शरण. हमारे ऑप्शन हो जाते हैं बी, प्रीति शरण. ये पूर्व वरिष्ठ राजनयिका रह चुकी हैं और देखिए, ये 1 जनवरी 2019 से अपना कार्यभार संभालेंगी. ये चंद्रशेखर दास गुप्त की जगह लेंगी. ठीक है, ये चंद्रशेखर दास गुप्त को रिप्लेस कर रही हैं और ये वियतनाम की राजदूत भी रह चुकी है, मतलब वियतनाम के एम्बेसडर रह चुकी है हमारे इंडिया की ओर से. तो ये सारी कुछ चीज़ें थी और ऑप्शन हो जाते हैं बी, प्रीति शरण. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. किसको दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रीय अभियोजन प्राधिकरण की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है. तो इनका नाम है समीला बटोही. देखिए, ये भारतीय मूल की वकील है पेशे से, समीला बटोही, और ये सोन इब्राहिम को रिप्लेस करेंगी और फरवरी में 2019 के फरवरी से ये अपना कार्यभार संभालेंगी राष्ट्रीय लोक अभियोजक का. तो ऑप्शन हो जाते हैं डी, समीला बटोही. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं. कृषि निर्यात नीति किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया. कृषि निर्यात नीति किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है. तो ये है कृषि मंत्रालय. ऑप्शन हो है बी, कृषि मंत्रालय. इसमें इनका उद्देश्य है कि 2022 तक भारत की जो कृषि निर्यात है ना, उसको दुगना करना है और 60 बिलियन डॉलर तक करना है उसे. मतलब निर्यात इतनी दुगनी हो जाए कि वो 60 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाए. और जैसे चाय, कॉफ़ी और चावल जैसे जो कृषि वस्तुएं हैं, उनके निर्यात को बढ़ावा देना है. और वैश्विक कृषि जो व्यापार है ना, उसमें भी देश, मतलब जो हमारा देश है, देश के हिस्से में वृद्धि करना है. तो यह सारे उद्देश्य से इन्होंने कृषि निर्यात नीति को जारी किया है कृषि मंत्रालय के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं. किस मंत्रालय को राष्ट्रीय महत्व के लिए स्कॉच पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया. तो देखिए, साल 2018 का जो स्कॉच पुरस्कार है वो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को दिया गया है. ऑप्शन हो जाते हैं ए. और इन्हें क्यों दिया गया कि इनकी जो इन्होंने जो देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को स्थापित किया है, तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए इन्हें स्कॉच पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया है. ये मंत्रालय के जो सचिव है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव आनंद कुमार को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. तो ऑप्शन हो गया ए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय. नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं. भू विज्ञान, खनन और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में क्या क्षेत्र है. ये भू विज्ञान, खनन और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है, मतलब इन्होंने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. तो ये देश है जिम्बाब्वे, जिसके साथ भारत भू विज्ञान, खनन और खनिज जैसे संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग करेंगे. ये दोनों आपस में मिलकर इन्होंने समझौता किए हैं. ऑप्शन जाते हैं जिम्बाब्वे. और देखिए, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है. तो ये देश है जापान. देखिए, खनिज की बात आई तो वो जिम्बाब्वे के साथ उन्होंने किया है. और अगर बात आती है पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, इस क्षेत्र में इन्होंने जापान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं कि पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में ये अपनी घनिष्ठ और दीर्घकालिक सहयोग की स्थापना करेंगे और उसके प्रसार को सक्षम करेंगे. ठीक है, इसके साथ ही साथ इन्होंने जापान के साथ एक और समझौता किया है. ये है डाक क्षेत्र के सहयोग में. डाक क्षेत्र में भी इन्होंने समझौता किया. तो ये दो चीज़ आप याद रख सकते हो, भारत ने जापान के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं.
वाराणसी के बाद कौन सा शहर जल मार्गों के माध्यम से कंटेनर कार्गो प्राप्त करने वाला भारत का दूसरा शहर बन गया है? देखिए, हमारा वाराणसी जो है ये एकमात्र शहर है जो कि जल मार्गों के माध्यम से कंटेनर कार्गो प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर है, और अब पटना जो है ये भारत का दूसरा शहर बन गया है। अब देखिए ये क्या है, शिपिंग मिनिस्ट्री के मतलब जो शिपिंग मंत्रालय है उसके मुताबिक गंगा नदी पर पटना में गायघाट टर्मिनल 10 दिसंबर के बाद पेरिस्को और इमामी एग्रोटेक से माल प्राप्त करेगा। तो ये सारी कुछ सुविधाएं हैं इसके तहत, पर ये ध्यान रखिएगा कि पटना अब दूसरा शहर बन गया है। ऑप्शन हो जाते हैं ए पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद विरोधी समन्वय समझौता किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए ये लॉन्च किया गया संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो ग्यूटेरस। ऑप्शन हो जाते हैं सी, ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ये एक नया ढांचा लॉन्च किया है। यूनाइटेड नेशन ने आतंकवाद से निपटने के लिए ये संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद विरोधी समन्वय समझौता को लॉन्च किया है। ये आतंकवाद विरोधी जितने भी कार्यबल है ना उसे प्रतिस्थापित करेगा। तो सिंपल सी चीज़ें ये समझ लीजिए कि आतंकवाद से निपटने के लिए इन्होंने इसको लॉन्च किया है, और ये उनके महासचिव संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो ग्यूटेरस के द्वारा किया गया है। ऑप्शन हो जाते हैं सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे भारत में सशस्त्र बल ध्वज दिवस कब मनाया गया? सशस्त्र बल ध्वज दिवस कब मनाया गया पूरे भारत में? तो ये हमने सेलिब्रेट किया कल 7 दिसंबर को, और इसके पीछे हमारा मकसद था कि शहीद जो हो गए हैं हमारे देश के लिए, और उसके साथ ही साथ पुरुष और जो महिला सैनिक होते हैं ना उन्हें भी सम्मानित करना है, जो भारत की रक्षा के लिए सीमाओं पर बहादुरी से हमारे लिए लड़ते हैं और अपने प्राण त्याग देते हैं। तो इन्हें सम्मानित करने के लिए हम सशस्त्र बल ध्वज दिवस मनाते हैं, और जितने भी पूर्व सैनिक समुदाय हैं उनके कल्याण के लिए, उनका पुनर्वास के लिए भारत सरकार के द्वारा इस ध्वज दिवस का गठन किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, 7 दिसंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडिएट फॉर इंडिया क्रिएटिव सॉल्यूशन यूजिंग टेक्नोलॉजी नामक युवाओं के लिए राष्ट्रीय चुनौती किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए ये एक टेक्नोलॉजी है, आइडिएटेड फॉर इंडिया क्रिएटिव सॉल्यूशंस यूजिंग टेक्नोलॉजी, जो कि एक चुनौती के रूप में काम करेगी युवाओं के लिए, और ये लॉन्च किया गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय के तहत। ऑप्शन हो जाते हैं डी, और इसमें क्या है ना कि इस चुनौती का उद्देश्य ही यही है कि देश भर में जितने भी स्कूल हैं उनके छात्रों को मान लीजिए जो भी समस्याएं आती है ना उसके समाधान के लिए, समाधान निर्माता बनने के लिए ये एक मंच और अवसर प्रदान करता है। मतलब स्कूल के जितने बच्चे हैं ना वो अपनी जितने भी उनकी समस्याएं हैं उसका समाधान कर सके, तो उसके लिए ये एक मंच प्रोवाइड कराएगा, एक अवसर प्रोवाइड कराएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ऑप्शन हो जाते हैं डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान में स्वच्छ सागर 2018 नामक क्षेत्रीय स्तर समुद्री तेल प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का आयोजन किया गया? ये कौन सा स्थान है जहाँ स्वच्छ सागर 2018 नामक ये जो अभ्यास है ना इसका आयोजन हुआ? तो ये हुआ पोर्ट ब्लेयर में। ऑप्शन हो जाते हैं ए पोर्ट ब्लेयर। एंड देखिए ये भारतीय तटरक्षक के द्वारा आयोजित किया गया था इस स्वच्छ सागर 2018 को। ये ध्यान रखना है, स्वच्छ सागर कहाँ हुआ? पोर्ट ब्लेयर में हुआ, और ये भारतीय तटरक्षक के द्वारा आयोजित किया गया था। और ये जो भारतीय तटरक्षक है ना ये रक्षा मंत्रालय के अधीन है, मतलब रक्षा मंत्रालय के अंदर ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, वाराणसी में एक फ्रैट विलेज को मंजूरी किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? फ्रैट विलेज, देखिए ये जो वाराणसी में जो पेशेवर रसद होते हैं ना उसके उद्योग को ये बढ़ावा देगा, ये किया गया है शिपिंग मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन हो जाते हैं सी। इससे क्या होगा, जितने भी अंतर्देशीय जलमार्ग हैं ना उनको मतलब प्राधिकरण द्वारा विकसित किया जाएगा। फ्रेट, आपकी जो फ्रेट विलेज है ये क्या होती है? देखिए ये एक निर्दिष्ट क्षेत्र होता है जहाँ परिवहन के विभिन्न साधनों, माल वितरण और अन्य रसद के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाएं उपलब्ध होती है। ठीक है, मतलब परिवहन ले लीजिए आप, साधन, जितने भी माल वितरण का जो काम होता है इन सबों के लिए एक बड़े पैमाने पर यहाँ सुविधाएं उपलब्ध होती है, तो इसे ही फ्रेट विलेज कहा जाता है। ठीक है, तो ये किया गया शिपिंग मंत्रालय के द्वारा वाराणसी में। ऑप्शन हो जाते हैं सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एडमिरल कप नौकायान रिगाटा 2018 किस देश ने जीता है? एडमिरल कप देखिए ये केरल में हुई, इसका 9वां संस्करण हुआ और ये देश है जिन्होंने नौकायान रिगाटा 2018 का जो सम्मान जीता है ये है इटली। ऑप्शन हो जाते हैं इटली, और सेकेंड पोजीशन पे रहा सिंगापुर, और थर्ड पोजीशन पे रहा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखिए ये इंडियन नेवी एसोसिएशन द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है और ये एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सैन्य नौकायान कार्यक्रम है। ठीक है, नेवी के द्वारा आयोजित होता है और हर साल होता है ये सैन्य नौकायान एक कार्यक्रम होता है, तो इस बार इटली ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। द रिपब्लिकन एथिक और लोकतंत्र के स्वर पुस्तक किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? देखिए द रिपब्लिकन एथिक और लोकतंत्र के स्वर ये दोनों ना पुस्तक के शीर्षक है और इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं कि किस मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया है, तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। और देखिए इन पुस्तकों में क्या है ना कि हमारे जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद जी के जो भाषण होते हैं तो उनमें से कुछ चुने भाषणों पर आधारित इस ये पुस्तक का विमोचन करेगा हुआ है। ये पुस्तक है मतलब उनके जितने भी भाषण है ना उसमें से कुछ चुने हुए भाषण इसमें इस पुस्तक में मतलब दिए गए हैं। और ये कह लो कि ये बुक जो है रामनाथ कोविंद जी के द्वारा उनके कार्यकाल के पहले वर्ष में दिए गए कुल 243 भाषणों में से 95 चयनित भाषणों का संग्रह है। जैसे कि मैंने कहा कि उनके कार्यकाल का जो पहला वर्ष था हमारे राष्ट्रपति जी का, उसके जो 243 भाषण थे ना उसमें से 95 भाषणों को सिलेक्ट किया गया है और उनका इस बुक में संग्रह है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। द रिपब्लिकन एथिक एंड लोकतंत्र के स्वर, इसमें किसके भाषणों का विवरण दिया हुआ है? हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के बाद। और ये किसके द्वारा विमोचन किया गया? ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसे जारी किया। ऑप्शन हो जाते हैं ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में रावी नदी पर शाहपुर कंडी बांध परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है? देखिए ये राज्य है पंजाब। ऑप्शन हो जाते हैं ए पंजाब। पंजाब में जो रावी नदी पड़ती है ना वहाँ शाहपुर कंडी बांध परियोजना के लिए कि उसकी कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई है कि इसकी कार्य शुरू हो सकती है। तो देखिए होगा क्या, इसका लाभ क्या है, जो रावी नदी है ना तो रावी नदी की जो पानी की बर्बादी होती है अब उस बर्बादी को कम करने में मदद मिलेगी अगर ये बांध बनकर तैयार हो जाती है। दूसरी चीज, इस जो ये जो परियोजना है ना इसे पूरा होने पर पंजाब में 5000 हेक्टेयर और जम्मू कश्मीर में 32173 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता उपलब्ध हो पाएगी। तो इससे क्या होगा कि सिंचाई की जो सुविधा मिल जाएगी इस बांध के तहत, और ये भी कहा जा रहा है कि जून में मतलब 2022 में जून तक ये पूरी हो सकती है। तो याद रखिएगा इसके बहुत सारे लाभ हैं। एक तो जम्मू कश्मीर पंजाब में सिंचाई की सुविधा होगी, और उसके बाद जो रावी नदी का जो पानी बर्बाद हो रहा है तो इस बांध की सहायता से वो पानी बर्बाद होने से भी बच जाया करेगा। 2022 तक ये कहा गया है कि ये कंप्लीट हो जाएगी और ये पंजाब में है, पंजाब में। ठीक है, ऑप्शन हो जाते हैं ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अपने सभी सार्वजनिक परिवहन का निःशुल्क करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? मतलब ये कौन सा देश है जिन्होंने वहाँ के जो जितने भी परिवहन है ना उसे इन्होंने निःशुल्क कर दिया है और ये दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जहाँ के परिवहन जो है वहाँ अब उसके पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो ये देश है लग्जमबर्ग। ऑप्शन हो जाते हैं ए लग्जमबर्ग। और इसकी राजधानी की बात करूँ तो लग्जमबर्ग की राजधानी है लग्जमबर्ग सिटी। ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ की मुद्रा है न्यूरो। और 2019 में जितने भी ट्रेन ट्राम या जो बस होते हैं ना उनसे किराए हटा दिए जाएंगे इस देश के। तो ये सब क्या हो गया, ये सब देखिए सार्वजनिक परिवहन में आ गए ना, ट्रेन हो गए ट्राम हो गए बस जो हो गए, तो इनसे ये पहला देश दुनिया का बन गया है जहाँ किराया नहीं लिया जाएगा। और 2018 में लग्जमबर्ग सरकार ने 20 वर्ष से कम उम्र के जितने भी व्यक्ति हैं ना उनके लिए सार्वजनिक परिवहन निःशुल्क कर दिया था। ये भी चीज़ें हैं। और वहाँ के प्रधानमंत्री आप ध्यान रख सकते हो कि जेवियर बटेले वहाँ के प्रधानमंत्री है। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि परिवहन से निःशुल्क कर दिया जाएगा, वहाँ पैसे ही नहीं लगेंगे। ये ऑप्शन है ए लग्जमबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया? तो ये हमने सेलिब्रेट किया 7 दिसंबर को,
अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, देखिए इनके पीछे उद्देश्य क्या था कि देश में जो सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के महत्व के बारे में सबको जागरूक करना है, ताकि इससे हमारे देश का सामाजिक और आर्थिक विकास बहुत अच्छे तरीके से हो सके। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।